सो नेटवर्किंग उतना ही इम्पॉर्टेंट है साइबर सिक्योरिटी में जैसे मैथमेटिक्स में नंबर्स। सो नेटवर्क मॉडल जो है वो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है जो कि हमें मदद करता है कम्युनिकेशन कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं डिवाइसेस के बीच। सो नेटवर्क मॉडल देखने से हमें एक हाई लेवल जानकारी मिल जाएगी कि हमारी सिस्टम कंप्यूटर डिवाइसेस हमारे ओवरऑल द नेटवर्क में कैसे काम करते, चीज़ों को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो इनकी मदद करते हैं हमारे मॉडल्स की, और कुछ रेफरेंसेस दी जाती है प्रोटोकॉल्स के द्वारा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास दो मॉडल्स आते हैं, एक तो है OSI मॉडल जो कि हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं, एंड OSI मॉडल विच इज़ ऑल्सो नोन एज ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, और हमारा दूसरा है TCP/IP मॉडल जो कि हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। सो ये मॉडल्स हमें एक सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से हमें कंट्रोल और चीज़ों को कैसे इंस्टॉल किया जाता है इंटरनेट पे, डेटा कैसे ट्रैवल करता है वो हम बहुत ही अच्छे से समझ लेंगे। सो OSI मॉडल जो है वो एक रेफरेंस मॉडल है, ये प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड नहीं है, हम एक्चुअली प्रैक्टिकली हम सिर्फ TCP/IP मॉडल को इम्प्लीमेंट करते, उसे यूज़ करते। ये एक रेफरेंस है जो कि हमें बहुत ही अच्छे से चीज़ों को समझा देता है। और OSI मॉडल में 7 लेयर्स होते हैं जो कि हमारा डेटा हो गया जाता है एप्लीकेशन लेयर से फिजिकल लेयर में। सो यहाँ पे 7 लेयर है जिनमें से पहला है हमारा एप्लीकेशन और दूसरा है प्रेजेंटेशन, उसके बाद आता है सेशन और फिर ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल लेयर। सो हर एक लेयर पे एक अलग अलग प्रोटोकॉल काम करेगा जो कि हमें डिफाइन करेगा उसका वर्किंग। सो हर एक लेयर के बारे में हम थियोरेटिकल पढ़ेंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है और उनके कुछ एक्टिविटीज़ जो कि हो रही होती है उन पे, और साथ ही साथ उनके प्रोटोकॉल डेटा यूनिट विच इज़ ऑल्सो नोन एज PDU। तो PDU क्या है? PDU इज़ अ यूनिट ऑफ अ इंफॉर्मेशन दैट इज़ ट्रांसफर्ड एट अ सर्टन लेयर्स। सो हे एवरीवन, दिस इज करण। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते। तो जैसा कि मैंने एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दिया इन 7 लेयर के बारे में, लेकिन हम इसे कुछ एक स्पेशल रिप्रेजेंटेशन से डिनोट किया जाता है। हम स्टार्टिंग से 1 नहीं लेते, हम यहाँ पे लेयर 7 से लेयर 1 कन्वर्ट करते, क्योंकि डेटा जब यूज़र के पास जाता है वो फिर नीचे से जाता है। तो जैसा कि आपने तो इसे यहाँ से डेटा ट्रांसफ़र किया और वो ऐसे होके फिजिकल लेयर के बाद फिर वो इंटरनेट में चला जाता है, जैसे कि यहाँ पे आपने यहाँ से आप गौर कर सकते हो, यहाँ से हमारा डेटा आएगा और लेयर 1 से वो इंटरनेट लेवल पे चला जाएगा। लेकिन जब हमारा रिसीवर उसे रिसीव करेगा तो वो पैकेट्स उल्टे चलेंगे। तो सबसे पहले हमारा पैकेट इंटरनेट से होके फिजिकल लेयर में आएगा, फिर डेटा लिंक लेयर में, ऐसे करते करते एप्लीकेशन के बाद उस हमारे यूज़र को डेटा मिल जाता है। सो आइए हम स्टार्ट करते लेयर 7 से, जो कि हम उसे एप्लीकेशन लेयर से भी जानते हैं। सो टॉप ऑफ द मॉडल पे हमारा सबसे पहले आता है एप्लीकेशन लेयर, और ये हमें वहाँ पे भी मदद करता है क्योंकि यहाँ से हम इंसान जो होते हैं वो डेटा को एक्सेस करते हैं, हम यहाँ से डेटा को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हमें कुछ एप्लीकेशन मिलते हैं, फिर वो एप्लीकेशन कुछ भी हो सकता है, आपका व्हाट्सएप हो गया, कोई भी एप्लीकेशन हो गया जो कि हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, और यहाँ से हम डेटा क्रिएट करने के बाद अगले लेयर पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। और जैसे कि हम एक और एग्जांपल देखें तो वो ब्राउज़र भी हो सकता है, सो कुछ भी हो सकता है हमारे एप्लीकेशन लेयर पे। सो उसके बाद आता है हमारा प्रेजेंटेशन लेयर। हमने यहाँ पे डेटा तो क्रिएट कर दिया, लेकिन उसे सही रेफरेंस में लगाना, उसका प्रेजेंट, डेटा को प्रेजेंट करना इंटरनेट पे भेजने से पहले, वो प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है। और साथ ही साथ हमारे डेटा को ये इनक्रिप्ट और कंप्रेसिंग दोनों कर देता है ताकि इंटरनेट पे हमारे डेटा सेफली जाए, कोई और उसे ना पढ़ पाए। तो यहाँ पे हमने डेटा को प्रेजेंट तो कर दिया, लेकिन उसके बाद सेशन बनाना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, सेंडर टू रिसीवर। तो यहाँ पे लेयर 5 सेशन लेयर है। तो यहाँ पे सेशन लेयर हमारा एक कनेक्शन क्रिएट करता है और साथ ही साथ जब ज़रूरत ना हो उसे डिसकनेक्ट भी कर देता है। सो हमारे सेशन लेयर का यही काम होता है, डेटा को भेजने से पहले सेंडर और रिसीवर के बीच में एक ब्रिज क्रिएट करके देना, और उसके बाद ब्रिज तो क्रिएट हो गया लेकिन हम डेटा को भेजेंगे किस में। सो यहाँ पे आता है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर विच इज़ ऑल्सो नोन एज लेयर 4। तो ट्रांसपोर्ट लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेता है हमारे डेटा को ट्रांसफ़र होने से A से लेके B तक इन प्रॉपर ऑर्डर और टाइम, और ये हैंडल करता है एरर्स को भी, अगर कोई मिस्टेक या फिर कोई भी गलत हो जाता है हमारे डेटा ट्रांसफ़र में तो ये हैंडल करता है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर, जैसे कि अलर्ट सेंडिंग। हम सेंडर को अलर्ट भेजेंगे कि उसने जो डेटा भेजा था वो मिसिंग है,
तो हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर पे दो एक मेन मॉडल्स आते हैं जो कि है यूडीपी और टीसीपी। तो इनके अलग अलग काम है। तो यूडीपी जो है वो बहुत ही फास्ट होता है टीसीपी से। यूडीपी कोई भी कनेक्शन क्रिएट नहीं करता, डायरेक्टली डेटा को सेंड करने लगता है, फिर वो ये भी गौर नहीं करेगा कि सामने वाले को डेटा मिल भी रहा है कि नहीं। लेकिन टीसीपी यहीं पे थ्री वे हैंडशेक कनेक्शन क्रिएट करता है। अगर आपको नहीं पता थ्री वे हैंडशेक क्या होता है, तो मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है इसके ऊपर, तो आप वो रेफर कर सकते हो। तो यहाँ पे एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ तालमेल बैठा लेता है सबसे पहले कि मैं डेटा भेजूँ, क्या डेटा मिला, ये सारी चीज़ें ये कवर करता है टीसीपी। लेकिन यूडीपी वहीं पे डायरेक्टली डेटा को सेंड करता है। तो यूडीपी हम मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ चीज़ों में यूज़ लेते हैं, जैसे कि ब्रॉडकास्ट हो गया, लाइव स्ट्रीम हो गया, वीडियो कॉलिंग हो गया, और टीसीपी जैसे कि मेल सेंडिंग या फिर हम किसी से चैट करते, वो टीसीपी के द्वारा ही होता है। सो इसके बाद आता है हमारा लेयर थ्री, विच इज़ ऑल्सो नोन एज नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर, नेटवर्क नाम से ही आपको पता चल गया होगा नेटवर्किंग क्या होने वाला है इस लेयर में। तो नेटवर्किंग हमारा राउटिंग, ब्रॉडकास्टिंग, इन सब चीज़ों को हैंडल करता है, जैसे कि हर एक की आईपी मेंटेन करना, लोगों की आईपी क्या है और किस आईपी पे डेटा हमें भेजना है और किस रूट से होके जाना है, वो भी हमारा नेटवर्किंग डिसाइड करता है। तो हमारे डेटा में जो एड्रेस जो भी मेंशन रहेगा वो नेटवर्किंग लेयर उसमें काम करता है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई पैकेट भेज रहे हो, उसमें डेटा है, उस डेटा के ऊपर वो सेंडर और रिसीवर दोनों का एड्रेस लिख देगा। तो जब वो नेटवर्क के ऊपर जाएगा, नेटवर्किंग में बहुत सारे डिवाइस होते हैं, तो वो ऊपर से ही ये पढ़ लेंगे ये किसने भेजा और कहाँ हमें भेजना है। तो अब बारी आती है लेयर टू की, विच इज़ ऑल्सो नोन एज डेटा लिंक लेयर। तो जैसा कि नेटवर्क जो कि हमने देखा वो आईपी एड्रेसेस पे काम करता है, लेकिन डेटा लिंक लेयर वो मैक लेवल पे काम करता है, डिवाइसेस के मैक एड्रेस ये हैंडलिंग करता है। तो डेटा लिंक लेयर में भी दो सब लेयर आते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट में टीसीपी और यूडीपी आ रहे थे, तो डेटा लिंक लेयर में भी दो आते हैं जो कि मैक नाम से जाना जाता है और एलएलसी नाम से जाना जाता है। मैक नोन एज मीडिया एक्सेस कंट्रोल और एलएलसी लॉजिकल लिंक कंट्रोल। और यहाँ पे हम डेटा को फ्रेम्स के नाम से जानते हैं, और जो कि नेटवर्किंग में था उस वहाँ पे हम डेटा को पैकेट के नाम से जानते हैं। और सबसे लास्ट में हमारा आता है फिजिकल लेयर। तो फिजिकल लेयर नाम से ही पता लगा रहा होगा कि फिजिकली हम चीज़ों को अटैच करने वाले। तो हमारा जो भी वाईफाई का मेन अडेप्टर हो गया, NIC कार्ड हो गया जिसमें हम इथरनेट को प्लग करते, ऑप्टिकल केबल्स हो गए, वो सब फिजिकल लेयर्स में आते हैं। सो यहीं पे हमारा फिजिकल लेयर काम करता है। हमारा डेटा जो भी आएगा इन सब चीज़ों से, उन्हें वो कन्वर्ट कर देता है 0101 यानी कि बिट्स के फॉर्मेट में, या फिर उसका जो भी फॉर्मेट है, अगर हम ऑप्टिकल्स यूज़ कर रहे तो हमारे डेटा को वो लाइट के फॉर्म में ट्रांसफ़र करेगा, या फिर केबल्स है तो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में उसे ट्रैवल करने देगा। तो एक टाइप से ये कन्वर्टर होता है। तो नॉर्मली हम कहें तो ये जो भी डिजिटल डेटा को होता है वो फिजिकल बिट्स में कन्वर्ट कर देता है, फिर वो इलेक्ट्रिसिटी हो जाए, रेडियो वेव्स हो जाए, या फिर फोटॉन्स हो जाए। सो खैर ये थे सातों के सात लेयर। सो लेट्स एक बार हम इसे समराइज कर लेते हैं। सो फिजिकल लेयर डिफाइन हाउ द फिजिकल ट्रांसमिशन शुड वर्क। यूजुअली जो कि हमारा फिजिकल लेयर है वो इलेक्ट्रिसिटी वेव्स या फिर फोटॉन्स इनसे डील करता है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। और सेकेंड लेयर है जो कि डेटा लिंक लेयर। सो DLL डिफाइंस हाउ द डिजिटल इंफॉर्मेशन शुड ट्रेवल अक्रॉस द फिजिकल कनेक्टेड होस्ट वाया द स्पेसिफिकेशन डिफाइन एट लेयर वन। और लेयर थर्ड में जो है वो है नेटवर्किंग। जैसे कि मैंने बताया था नेटवर्क चीज़ों को ये कंट्रोल करता है, फॉर एग्जाम्पल फ्लो कंट्रोल या फिर आईपी एड्रेस या फिर राउटिंग, ये सब हमारा नेटवर्क लेयर डिस्कस करता है। उसके बाद आता है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर, जो कि इसके अंदर भी दो सब लेयर्स आते हैं जो कि है मेन TCP और UDP। और उसके बाद आता है सेशन लेयर, जो कि हमारे सेशंस को क्रिएट करता है, मैनेज करता है, या फिर ज़रूरत पड़ने पे उसे टर्मिनेट भी कर देता है। उसके बाद आता है हमारा प्रेजेंटेशन लेयर, जो कि डेटा को प्रेजेंट या फिर इनक्रिप्शन या फिर केलो उसे कॉम्प्रेस करना होता है, जो भी टास्क वो हमारा प्रेजेंटेशन लेयर करता है। उसके बाद आता है एप्लीकेशन लेयर, जो कि एक्चुअली डेटा यहाँ से क्रिएट होता है। सो यहाँ पे हर लेयर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, और जो ये डिज़ाइन है केलो प्रिंसिपल है उसे हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं। तो इनकैप्सुलेशन आप ऐसा समझ सकते हो जैसे कि हम स्पेसशिप लॉन्च करते हैं अर्थ से, तो वो जाते जाते जब स्टार्ट होता है उसकी जर्नी, वो कंटेन करता है बहुत सारे पार्ट्स को। सो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो। सो प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जो कि होने वाला हमारा TCP IP। और आई विल से आपने वीडियो यहाँ तक देखी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।